हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका फ्रेंड सुरजीत पाल। और सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि कल की वीडियो जो इंटीरियर लाइट की थी उसको आपने बहुत प्यार दिया और अच्छे लाइक्स दिए। आपका बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। हमारे एक दोस्त व्यूअर दोस्त हैं जो ललित भारद्वाज जी, उन्होंने कल एक वीडियो रिक्वेस्ट की थी जो कि इसके म्यूज़िक सिस्टम के बारे में है। तो मैं आज आपको इसके म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, अच्छी बातें और बुरी बातें, क्या इसमें अच्छा है और क्या इसमें बुरा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए। ये म्यूज़िक सिस्टम डिज़ायर 2017 VDI या VXI में जो आता है उसके बारे में है। दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी कनेक्टिविटी और आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें को ये सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले जैसे हम ऊपर देख सकते हैं सीडी, आप इसमें सीडी डाल सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए इसमें ट्रे दी गई है, इसमें सीडी भी प्ले की जा सकती है जो कि यहाँ से इजेक्ट की जाती है। उसके अलावा इसमें ऑक्स एंड यूएसबी दोनों ही दिए गए, ऑक्स एंड यूएसबी दोनों ही दिए गए हैं। आप अपनी पेन ड्राइव से भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, और आप वो ट्रेडिशनल जो पहले वाला था वायर के थ्रू ऑक्स केबल के साथ भी इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है जो कि है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आप अपने ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से भी म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, जो आपको मैं आज करना दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। दोस्तों अभी इस म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिखाना चाहूँगा, क्योंकि VDI में पहले ये नहीं आते थे, ZDI का ये फीचर था, तो अभी इस बार ये VDI में भी दे दिया गया है। तो इसमें क्या है, आपको कुछ पुश बटन्स दिए गए हैं जिसको आप पुश करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है ये मोड का बटन। इसे आप क्या चीज़ प्ले करना चाहते हैं, जैसे FM, AM, ऑक्स, USB या फिर ब्लूटूथ, उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको दबाने से ये चेंज होगा। उसके बाद अगर आप ब्लूटूथ से या USB से कहीं से भी अपने सॉन्ग प्ले किया है तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। अगर आप FM सुन रहे हैं तो ये नेक्स्ट चैनल के लिए है, प्रीवियस चैनल के लिए है। इसके बाद इसमें म्यूट का बटन है, अगर आपको आपके साथ बैठे हो किसी को कॉल आ गया तो आप इसको म्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टॉप और प्ले का बटन नहीं है दोस्तों, अगर आपने सॉन्ग को स्टॉप करना है या बाद में प्ले करना है तो वो फीचर इसमें नहीं है, इसको आप सिर्फ म्यूट ही कर सकते हैं। इसके बाद ये तीन बटन दिए गए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कॉल पिक करने के लिए, उसके बाद कॉल काटने के लिए, तीसरा ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। ब्लूटूथ जो आपका कनेक्ट होगा वो चलती कार में नहीं होगा दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको कार को खड़ा करके फिर ही ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी सिर्फ कार खड़े करके ही कर सकते हैं। ये फीचर इसलिए डाला गया है कि ड्राइवर का ध्यान जो है वो डाइवर्ट ना हो गाड़ी चलाते हुए, अगर वो ब्लूटूथ कनेक्ट करे तो कार को रोक के करे। अगर दोस्तों इस तरफ आते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था CD, उसके बाद FM का है, ठीक है जी। तो FM है, ये वॉल्यूम बटन है, तो इसके बाद AM, ठीक है। इसके बाद ये मीडिया का बटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपके ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है, ऑक्स भी कनेक्टेड है और साथ में USB पेन ड्राइव भी आपने USB में लगाया हुआ है, तो इसे आप उन तीनों को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो इसलिए क्या है कि नो ऑडियो आ रहा है। तो जब ये चीज़ें आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद ये मीडिया बटन भी आपका जो है वो काम करने लगेगा। दोस्तों FM को चलाते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो ये स्टेशन चैनल्स हैं इसके, जो स्टेशन सेव किए गए ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये अलग अलग जो है चैनल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, चैनल 4 को चेंज करके कर दिया, 5 को कर दिया, सो अभी फ्रीक्वेंसी पे नहीं चल रही है तो मैं 3rd को लगाता हूँ। और ये बटन का थोड़ा उससे डिफरेंस है, इसमें आप जो चैनल सेव किए हुए हैं उनको ही नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, लेकिन इससे आप स्टेशन ढूंढ सकते हैं, ये ऑटो सर्च है। जैसे इसको मैंने अभी पुश किया तो जो नेक्स्ट चैनल चल रहा था, जो नेक्स्ट स्टेशन फ्रीक्वेंसी पे था, वो अपने आप सर्च हो गया। ये देखिए सर्च कर रहा है, और जब आपने कोई फ्रीक्वेंसी पे स्टेशन को ढूंढ लिया, अगर उसको आपने सेव करना है, जैसे मैंने इसको नंबर 4 पे सेव करना है, तो आप नंबर 4 को पुश करके रखिए,
तो ये देखिए नंबर 4 आ गया। अभी अगर 3 लगाता हूँ तो पहले जो था सेव्ड वो चल रहा है, नंबर 4 लगाता हूँ तो ये वाला जो नया सेव किया, ये ऑटोमेटिक सर्च स्टेशन है, ये वाला जो है मैनुअल सर्च स्टेशन है, इसको आप अपनी मर्जी से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप इसको इस तरह से जो आप खुद सर्च करना चाहते हैं तो वो मैन्युअली कर सकते हैं। ये वॉल्यूम का बटन है, यही इसका पावर बटन भी है, अगर इसको पुश करेंगे, पुश होने से ये ऑफ हो जाएगा, और इसको रोटरी एज अ बटन यूज़ करेंगे तो ये क्या है वॉल्यूम हाई एंड लो में जाएगा। अब दोस्तों मैं इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में आपको बताऊँगा। तो ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मीडिया पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लूटूथ का कोई सिंबल नहीं है, दैट मींस ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है। तो आपको पहले पेयरिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, अगर आप मोबाइल को इससे कनेक्ट करते हैं या फिर आप रीकनेक्ट करते हैं किसी और मोबाइल को यूज़ करने के बाद। जैसे आपने मोबाइल ए, अगर सपोज़ कीजिए आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन किसी दिन आपने आईफोन के साथ कनेक्ट किया तो उसके बाद जब आप सैमसंग का फिर यूज़ करेंगे तो आपको इसको दोबारा से पेयर करना पड़ेगा। पेयरिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये सिंबल को पुश करना है, यहाँ पे सेटअप में जाना है, उसके बाद फिर से इसको सेटअप में जाइए, फिर पेयरिंग आ जाएगा तो पेयरिंग में जाइए। जब यहाँ पे पासकोड आ जाएगा तो आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ को इसको सर्च कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। तो मेरा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं आपको वो जो है चला के दिखाता हूँ। सो दोस्तों मेरा मोबाइल ऑलरेडी पेयर्ड था, जब मैंने ब्लूटूथ को ऑन किया तो ये अपने आप ही कनेक्ट हो गया। तो इस इधर देखिए ये सिंबल आ गया है ब्लूटूथ, जब आपका कनेक्टेड होगा तो ये सिंबल आपका यहाँ पर विजिबल होगा। तो ये जगह जासूस का सॉन्ग प्ले किया है मैंने सावन पे, तो इससे आपको थोड़ा इसका बेस का आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर आप सुन पाए तो बेस बहुत अच्छा है कार का, 4-way स्पीकर्स इसमें दिए गए हैं और 2 ट्यूटर्स दिए गए हैं, हर एक जो डोर है उस पर एक स्पीकर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं और सच में बड़ा एंजॉयबल म्यूजिक होता है इसका। अगर आपने इक्विलाइजर को ऑन करना है तो आपको इस बटन को एक बार पुश करना पड़ेगा और फिर इसको रोटेट करके आप कर सकते हैं। जैसे अभी हिप हॉप है तो इसको ऑफ कर सकते हैं, जैज है इसमें, रॉक, पॉप, क्लासिक। तो एक बार फिर से अगर आप इसको पुश करेंगे तो आपका बेस आ जाएगा, तो मैन्युअली इक्विलाइजर आ जाएगा। तो इसको आप -6 से लेके +6 कर सकते हैं और इसके साथ आप अपने ट्यूटर्स की साउंड, जो छन छन की साउंड होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा इसमें फंक्शन मुझे को लगता है जो कि डिस्प्ले बटन का है। अगर आप इसको पुश करेंगे तो जो सॉन्ग आपका चल रहा है ब्लूटूथ से या फिर पेन ड्राइव से तो वो आ जाएगा, कौन सा सॉन्ग है खाना खा के, ठीक है जी, सॉन्ग किन कौन से आर्टिस्ट का है, प्रीतम जी का है, ठीक है जी, और कौन सी एल्बम का है, जग्गा जासूस का है। तो आप ये वाले सारा कुछ इस डिस्प्ले बटन से जो है देख सकते हैं। इसके बाद ये बैक बटन है, अगर मेन्यू आपने कुछ चीज़ खोली है तो इससे आप बैक भी जा सकते हैं। दोस्तों एक प्रॉब्लम भी है इस म्यूज़िक सिस्टम में जो कि मैंने फील की है, जो कि इवन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो ZDI प्लस में है उसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पावर बटन है, अगर म्यूज़िक चल रहा है ब्लूटूथ से तो अगर आप इसका पावर ऑफ कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से ऑन करते हैं तो आपका क्या है, म्यूज़िक जो मोबाइल से दिखाएगा वो तो प्लेड ही दिखाएगा। ये देखिए मोबाइल से म्यूज़िक अभी सावन पे प्ले हुआ है चल रहा है, लेकिन अगर इधर देखें तो इधर साउंड नहीं आ रही। अभी इसको दोबारा से इसको प्रॉपरली प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस म्यूज़िक सिस्टम को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके बाद जब आप टर्न ऑन करेंगे इसको तो वेट करिए इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। यहाँ से भी पॉज हो गया है क्योंकि ब्लूटूथ डिसकनेक्ट हो गया, तो हम इधर से प्ले कर देते हैं। तो मोबाइल पे प्ले कर दिया मैंने, तो इसको साइड पे रख देता हूँ। तो इधर से वेट करते हैं इसके कनेक्ट होने की।
ये देखिए कनेक्ट हो गया है, अभी यहाँ पे सिंबल आ गया है, तो जल्दी म्यूजिक ट्रांसफर हो जाएगा कार में। सो ये देखिए दोस्तों, म्यूजिक जो है वो म्यूजिक सिस्टम में ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरह से दोबारा से आपको अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो सो आई सजेस्ट इसको हमेशा पॉज कीजिए। ये देखिए अगर आपके साथ में बैठे हुए किसी को कॉल आ गया तो आपने बंद करना है कुछ कुछ टाइम के लिए, तो ये बटन मत यूज़ कीजिए, पावर ऑफ मत कीजिए, सिर्फ म्यूट कीजिए। और जब आप इसको फिर से म्यूट को दबाएंगे तो क्या है, आपका म्यूज़िक दोबारा से चल पड़ेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी इंटरप्शन। सो दोस्तों मेरी तरफ से बिल्कुल बहुत अच्छा है म्यूज़िक सिस्टम, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस बहुत अच्छी है, आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी, कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि म्यूज़िक सिस्टम अच्छा नहीं मिला आपको कार में, बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल थम्स अप है इस म्यूज़िक सिस्टम को, इस कार को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।